everyone and welcome back to my channel. So today's video is going to be about Amazon. I know videos में थोड़ा सा delay हो गया है फिर से, but उसके पीछे एक reason था और वो reason मैं आपको video के end में share करूँगी. So definitely आप ज़रूर देखना पूरा video. और आज का video जो है ना, it is from Amazon, लेकिन सारे outfits जो है ये बहुत ही ज़्यादा beautiful से है. और जैसे कि नवरात्रि आ रही है ना, तो मैंने ना colorful outfits रखे हैं, बहुत ही झटक कुछ भी, मतलब ऐसे कलर्स नहीं हैं जो कि आपको पसंद नहीं आएंगे. सारे बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स हैं, अच्छे अच्छे प्रिंट्स हैं और डेफिनेटली दोज आर अफोर्डेबल. ओके, सो आपको अच्छे लगेंगे. मैंने एक ज्वेलरी भी रखी है जो कि आपको नवरात्रि के लिए भी काफ़ी काम आ सकती है. सो मेक श्योर आप कोई भी पार्ट मिस मत करना. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो फर्स्ट जो आउटफिट है, ये बहुत ही कलरफुल सा आउटफिट रखा है मैंने इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लोग ना कलरफुल पहनना पसंद करते हैं. और सबके लिंक्स ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है, आप एक बार चेक कर लेना. माय हॉस्टल का लिंक प्रोवाइड किया है मैंने. ओके, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, बस ओपन द लिंक्स एंड जो फोटोज दिख रहे हैं आपको, आपको ओपन करना है. इट विल टेक यू टू द अमेज़न पेज, वहाँ से आपको शॉप करना है. सो वेरी इजी एंड कन्वीनियंट. सो ये जो कुर्ता सेट है ना, आप इमेज देख सकते हो, इट इज़ कलरफुल एंड द क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड. ओके, सो ये जो है ना, ये कुर्ता है और इसके साथ आपको दुपट्टा मिल जाता है इन सेम शेड. सो इसमें सारे ब्यूटीफुल शेड्स इंक्लूड किए गए हैं. सो साइज़ आई गेस मैंने जो भी स्मॉल या मीडियम ऐसे कुछ था वो मैंने पिक किया था. इस पर 38 लिखा है, दैट मीन्स दिस इज़ आई गेस मीडियम टू लार्ज. ओके, यू नीड टू ऑल्टर इट इन केस आपको लग रहा है कि ये आपको लूज़ हो रहा है, बट ऑब्वियसली मुझे भी ये लूज़ होगा. मैंने ना ये आउटफिट इसलिए चूज़ किया क्योंकि नवरात्रि में ना बहुत ही कलरफुल आउटफिट्स भी बहुत प्यारे लगते हैं. जैसे कि ना आप लहंगा पहनते हो, सब कुछ पहनते हो जो कि बहुत ही कलरफुल होता है, वो बहुत ही प्यारा लगता है उस टाइम पर. तो इसलिए अगर आप कुर्ता सेट भी इस तरह से पहनोगे तो वो एक लुक कम्प्लीट करेगा. आपका कुर्ता होगा, दुपट्टा, आप बॉटम में कुछ तो पहन सकते हो जो कि वाइट बॉटम भी चल जाएगा. पेयर इट विद गुड ज्वेलरी, आप अपने बाल टाई कर लो, बैंगल्स, अच्छा अगर आप लुक क्रिएट करोगे इन दिस आउटफिट विल ऑल्सो लुक गुड. सो ये जो है ना, इस तरह से राउंड नेक प्रोवाइडेड है और कलर्स आप देख सकते हो, ब्लू, येलो, पिंक, ग्रीन, ऑरेंज, इस तरह के शेड्स यूज़ किए गए हैं. एंड फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो यू गेट द सेम लुक. ओके, इसका जो मटेरियल है ना, दिस इज़ समवॉट लाइक जॉर्जेट नहीं है, जॉर्जेट जैसा ही है बट पॉलिएस्टर जॉर्जेट मिक्स फैब्रिक. क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है फैब्रिक की. और इसमें ना इस तरह से इनर प्रोवाइडेड है, इस तरह का ऑरेंज कलर का पॉलिएस्टर इनर प्रोवाइडेड है. स्लीव्स में इनर नहीं है. ओके, इस तरह से लॉन्ग स्लीव्स प्रोवाइडेड है. सो दिस लुक्स ब्यूटिफुल आफ्टर वेयरिंग. आप मॉडल इमेज देख सकते हो, आप इसी तरह से कैरी कर लो, बहुत ही सुंदर लगेगा. विद दिस यू गेट दुपट्टा. नाउ दुपट्टा इज़ अगेन सतरंगी, सारे कलर्स हैं इसमें. सो येस, आई लव्ड इट. अगर आपको ना कोई प्लेन वाइट कुर्ता, मतलब वाइट कुर्ता, वाइट बॉटम और उसके साथ अगर आपको कलरफुल दुपट्टा लेना है, तो इस तरह का दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, ट्रस्ट मी. मैंने ना कॉलेज डेज़ में ना एक बार इस तरह से ना लुक क्रिएट किया था, वाइट ऊपर का, नीचे का भी वाइट, एंड देन आई टुक दैट कलरफुल दुपट्टा, बांधनी दुपट्टा. और ना मुझे देखकर ना एक दो लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया था, वो भी वाइट पहन कर आते थे और साथ में कलरफुल दुपट्टा पहनते थे, तो बहुत ही सुंदर लगता था. सो इस तरह से इवन ये दुपट्टा भी चल जाएगा. अगर आपके पास वाइट कुर्ता है, वाइट बॉटम है, ट्रस्ट मी दिस विल लुक ब्यूटीफुल. ओके, सो ये पूरा ओवरऑल कुर्ता सेट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा नवरात्रि के लिए स्पेशली. सो गेट इट. सो नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है, मैंने जैसे बताया कि मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स पिक किए हैं अकॉर्डिंग टू द फेस्टिवल. सो ये है साइज स्मॉल एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल गोस्ट्री की. ये कुछ इस तरह से ये आउटफिट है. सो जिस दिन आपको ग्रीन पहनना होगा तो आप डेफिनेटली ये वाला आउटफिट पिक कर सकते हो, ये वाला आउटफिट आप पहन सकते हो. तो दिस इज़ ओवरऑल कुर्ता बॉटम एंड दुपट्टा सेट. दिस लुक्स ब्यूटिफुल एंड येस. इसका जो फैब्रिक है ना, ये आई गेस दिस इज़ कॉटन एंड स्लाइटली पॉलिएस्टर मिक्स फैब्रिक.
आई गेस कौन सा फैब्रिक है, वो कॉटन वाला ही फैब्रिक होता है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ना पॉलिएस्टर मिक्स होता है उस तरह का फैब्रिक है. सो कॉटन ब्लेंड जो फैब्रिक होता है ना वैसा वाला, बट इट इज़ नाइस. एंड लुक एट दिस, 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड, बट मुझे क्लोथ क्वालिटी अच्छी लगी एज पर प्राइस. ओके, और इस तरह से लहरिया लुक दिया हुआ है. नेक एरिया पर जो भी वर्क है ना, इसकी क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है. इस पर ना इस तरह से गोल्डन वर्क है, सीक्वेंस वर्क है. वाओ, इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल. ओके, सो यस, इस तरह से ना कट दिया हुआ है यहाँ पर, एंड फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो यू गेट दिस लुक. ओके, सो नाइस. मुझे ये फैब्रिक इसलिए अच्छा लगा कि जो प्राइस आप पे कर रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग ये कुर्ता सेट बहुत ही यूज़फुल होगा, और बहुत लोगों के लिए ना ये बजट फ्रेंडली होगा. सब लोग ना कॉस्टली एक्सपेंसिव आउटफिट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है. और ये जो इसका बॉटम है, इट इज़ इन रेयन मटेरियल, इट इज़ इन ग्रीन कलर, एंड लुक एट दिस, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है. एंड हैविंग इलास्टिक, सो कन्वीनियंट. और ये पैंट है, ओके, पैंट स्टाइल है, साथ में ना शिफॉन दुपट्टा भी है इसमें, इस तरह से गोल्डन लेस अटैच्ड है. सो लुक एट दिस, प्लेन दुपट्टा है बट लेंथ काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी इज़ गुड. सो डेफिनेटली पिक दिस, कलरफुल है और आपको ऑब्वियसली अच्छा लगेगा. आई नो, जिनको भी अच्छा लग रहा है लिंक प्रोवाइडेड है, जाकर जल्दी से बाय कर लो. सो नेक्स्ट जो है, दिस इज़ फ्रॉम बीबा. ओके, बहुत टाइम से मेरी नज़र थी इस ड्रेस पर और फाइनली मैंने बाय कर ली. लेकिन क्या हुआ मेरे साथ, मैं बता रही हूँ आपको, आपको भी वैसे ही फॉलो करना है. मैंने पहले साइज़ 32 बाय किया मेरे लिए, जो कि एस साइज़ है. मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने स्मॉल साइज़ ऑर्डर कर लिया, क्योंकि स्मॉल साइज़ जनरली मैं पहनती हूँ. लेकिन क्या हुआ कि स्मॉल साइज़ जब आया तो उस पर 32 लिखा हुआ था, जो कि मुझे काफ़ी टाइट हो रहा था, जो कि ब्रेस्ट एरिया पर काफ़ी टाइट हो रहा था. तो मैंने एक्सचेंज किया उसे मीडियम साइज़ में, और मीडियम पर लिख कर आया 34. ओके, 34 मीन्स आई थिंक बस्ट साइज़ 34. सो इनका जो है स्मॉल साइज़ इज़ एक्स्ट्रा स्मॉल फॉर मी, एंड मीडियम इज़ स्मॉल फॉर मी. ओके, सो अगर आप स्मॉल पहनते हो तो प्लीज़ गो फॉर मीडियम, अगर आप मीडियम पहनते हो तो प्लीज़ गो फॉर लार्ज. दिस इज़ वॉट आई एम सेइंग, आपको एक साइज़ अप लेना है. सो दिस इज़ द वन, एंड दिस ड्रेस लुक्स ब्यूटिफुल. इवन फॉर हॉलीडे दिस कैन बी एन ऑप्शन. ओके, और नॉर्मली भी आउटिंग्स के लिए भी चल जाएगा, इट विल लुक गुड. एंड मैं बता रही हूँ ना आपको कि अगर नवरात्रि के लिए भी आपको पहनना है, कभी कभी ट्रेंडी कपड़े भी अच्छे लगते हैं, और ये काफ़ी यू नो रेड कलर में भी जा सकता है. सो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ देख के खुश हो जाते हैं जो नवरात्रि चल रही होती है. मैं भी कभी कभी ऐसे ना नहीं खेलती हूँ, लेकिन देखने ज़रूर जाती हूँ. बट यू वेयर दैट कलर, सो उनके लिए भी इस तरह के ऑप्शंस चल जाएंगे. मतलब मैं कोई ऐसी बातें नहीं करूं जो प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि आप खड़े होकर भी कभी कभी नवरात्रि एंजॉय कर रहे होते हैं, बट यू आर स्टिल वेयरिंग दैट कलर. सो उनके लिए भी इस तरह के ऑप्शंस चल जाते हैं. सो इट विल गो इन रेड. ओके, एंड नाइस. सो यहाँ पे इस तरह से बटन्स दिए हुए हैं. दिस फैब्रिक इज़ सुपर्ब. मतलब आई डोंट नो व्हाट दिस फैब्रिक, दिस इज़ नॉट रेयन, दिस इज़ लीवा मटेरियल, नहीं कहते हम जो कि बहुत सॉफ्ट सा कॉटन मटेरियल होता है, आई थिंक यही मटेरियल है वो. और आई लव्ड इट, लुक एट द ट्रायल. मैंने इसे एक बार पहना भी है, एंड लेट मी टेल यू, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे कि मैंने कहाँ से बाय किया. सो यस, 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड, लुक एट द प्रिंट, प्रिंट इज़ अमेजिंग. और इस तरह से ना टाई अप भी दिया हुआ है, विच इज़ आई गेस अ प्लस पॉइंट, ताकि आप वेस्ट अच्छे से यू नो जस्ट यू कैन टक इट अकॉर्डिंग टू योर वेस्ट. और फ्लेयर अच्छा खासा है, यहाँ पर कट भी दिया हुआ है. सो वेरी गुड, वेरी कन्वीनियंट, और कवर्ड है काफ़ी अच्छी तरह से. सो बहुत ही कन्वीनियंट होगा ट्रैवलिंग के लिए भी. सो अगर आपको अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली बाय ज़रूर करना. ओके, सो नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है, ये भी मैंने ग्रीन ऑप्शन में रखा हुआ है, बिकॉज मुझे ये कुर्ता सेट बहुत सुंदर लगा, एंड इसकी क्लोथ क्वालिटी बहुत अच्छी है. इसका इसकी जो प्राइस है ना, इसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है. सो आई थॉट लेट्स इंक्लूड दिस इन दिस वीडियो, क्योंकि बहुत लोग अफोर्डेबल आउटफिट्स अभी ढूंढ रहे हैं नवरात्रि के लिए, तो इसलिए. सो दिस इज़ इन ग्रीन. ओके, ये बॉटल ग्रीन कलर है, और इसका जो मटेरियल है ना, दिस इज़ जैसे कि साड़ीज़ नहीं होती, सिल्क साड़ीज़ का मटेरियल कैसा होता है, एग्जैक्टली वैसा ही है.
ओके एंड आई जस्ट लव्ड इट, ये बहुत ही सुंदर है. ओके सो डेफिनेटली पिक कर लेना, आई एम इन लव विद दिस मटेरियल एंड लुक बहुत ही अच्छा है. इसका जो ये अपर पोर्शन है ना, इसमें पूरी तरह से गोल्डन जरी है और गोल्डन सीक्वेंस का भी वर्क है विच इज़ गुड इन क्वालिटी और काफ़ी अच्छा लग रहा है. 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड विच इज़ नॉट हैविंग, लेट मी चेक वंस, दिस इज़ हैविंग पॉलिश, दिस इज़ हैविंग इनर आई मीन. और यहाँ पर जो क्लोथ है दिस इज़ वोवन मटेरियल. सो जो क्लोथ आप ये देख रहे हो ना, दिस इज़ वोवन, दिस इज़ नॉट प्रिंट. सो इसी बात पर जो है, मतलब मैं तो खुश हो गई प्राइस देखकर. और इस तरह से कट दिया है, सो दिस इज़ अ स्ट्रेट कुर्ता सेट. इट इज़ हैविंग कॉटन इनर. ओके सो बिल्कुल भी ये फैब्रिक आपको चुभने वाला नहीं है एंड फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो यू गेट दिस प्लेन लुक. ओके सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे. साइज़ मैंने स्मॉल पिक किया हुआ है इसमें भी. इसके साथ जो बॉटम प्रोवाइडेड है, दिस इज़ अ प्लेन बॉटम, सेम फैब्रिक है. और लेट मी चेक इफ इनर इज़ प्रोवाइडेड. इनर इज़ नॉट प्रोवाइडेड एंड नॉट इवन नीडेड. और यहाँ पर राइट साइड में पॉकेट है, लेट मी चेक अनदर साइड. ओके राइट साइड में ही पॉकेट है एंड दिस इज़ अ पैंट. ओके बट क्वालिटी इज़ गुड. विद दिस यू गेट दुपट्टा. अब दुपट्टा ना मुझे काफ़ी सुंदर लगा. मैं ग्रीन डे पर जो कि ग्रीन आउटफिट पहनना होगा, डेफिनेटली मैं यही वाला आउटफिट पहन रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक क्रिएट कर रहा है. सो ये पूरा दुपट्टा जो है ना, ये भी वोवन ही है. ओके दिस इज़ नॉट प्रिंट. ओके सो अगर प्रिंट होता तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती, बट दिस इज़ ऑल वोवन वर्क. और ब्यूटीफुल सा बॉर्डर है, दिस इज़ ऑल्सो वोवन एंड नाइस ओवरऑल. ओके सो काफ़ी सुंदर लग रहा है. सो गेट दिस फॉर योर सेल्फ. और मुझे इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी लगी दुपट्टे की. और ये जो ब्रांड है ना, इसमें आप और भी आउटफिट्स चेक कर सकते हो. ओके सो मैंने इंटेंशनली ये आउटफिट रखा था ताकि आप इसी ब्रांड से और भी चीज़ें देख सकते हो और भी आउटफिट्स को चेकआउट कर सकते हो. सो नेक्स्ट जो है, ये सिंपल सा कुर्ता सेट मैंने रखा है इस वीडियो में. नाउ दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल गोश्री की. ओके सो ये जो कैटेगरी है, ये मैंने इंटेंशनली शो की है क्योंकि इसमें ना, अगर आपको अंडर 500 आउटफिट्स चाहिए कुर्ता सेट, ओके सो आई गेस आपको ये लिंक ओपन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो मैं आउटफिट दिखा रही हूँ ये तो है ही, लेकिन साथ में और भी बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस हैं कुर्ता सेट में जो कि आपको अंडर 500 मिल जाएंगे. इसका भी प्राइस अराउंड 499 या 498 कुछ तो है. और ये भी अफोर्डेबल है. ऑफिस के लिए अगर आपको चाहिए, डेली वेयर के लिए आपको चाहिए, नॉर्मली आपको कहीं जाना है तभी आपको पहनना है, तब ये ऑप्शंस काफ़ी काम आ जाते हैं. एंड यस डेफिनेटली. सो ये जो कुर्ता है, इसका जो मटेरियल है ना, ये कॉटन ब्लेंड फैब्रिक है, बट इसे वॉश करने के बाद ना फैब्रिक काफ़ी भर जाता है और काफ़ी अच्छा हो जाता है, मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है. सो इन 500 इज़ टोटली वर्थ. 500 में कुर्ता मिलता है, लेकिन इसमें आपको पूरा कुर्ता सेट मिल रहा है. सो यस फॉर दैट आई गेस डेफिनेटली यू शुड पिक दिस. राउंड नेक प्रोवाइडेड है और इस पर ना इस तरह से प्रिंट किया गया. लुक एट द प्रिंट, आई लव द प्रिंट. और यहाँ पर डिफरेंट प्रिंट है, यहाँ पर इस तरह से लेस भी अटैच्ड है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. आई लव दिस कलर, लाइट शेड है. और यहाँ पे भी इस तरह से लेस है. ओके साइड कट प्रोवाइडेड है एंड फ्रॉम बैक साइड यू गेट दिस प्रिंट. ओके और इसके साथ जो बॉटम है, जो यहाँ पर प्रिंट दिया है ना स्लीव्स में और नेक एरिया में, वही प्रिंटेड आपको बॉटम मिल रहा है. ओके और इसमें भी इलास्टिक प्रोवाइडेड है, स्मॉल साइज में है एंड इट इज़ हैविंग पॉकेट एट द राइट साइड. ओके सो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस ब्रांड की, कि पॉकेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और कुर्ता सेट आपको इस प्राइस में दे रहे हैं और मटेरियल भी अच्छा है, इट इज़ नॉट बैड. ओके सो इस तरह से है इसका स्टाइल. सो विद इन 500, सो बहुत सारे वेरिएशंस हैं. जस्ट गो थ्रू दिस लिंक, यू विल बी फाइंडिंग योर जो भी आपको पसंद आ रहा है. मैं इसमें से और एक दो भी ऑप्शंस चूज़ करूँगी फॉर नेक्स्ट वीडियो, आई डेफिनेटली शो देम. बट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, सेल पीरियड भी चलने वाला है, सो डेफिनेटली आपको और कम प्राइजेस में मिल सकते हैं. सो नेक्स्ट जो है, सो दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल डिवीना.
ये ना मैंने बहुत पहले दिखाया था मेरे चैनल पर, एंड लेट मी टेल यू कि मैं इसे फिर रिपीट क्यों कर रही हूँ। बहुत लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि आप ना सिर्फ स्मॉल साइज़ ही दिखाते हो, आप मतलब ट्रिपल एक्सेल नहीं दिखाते हो, 4XL, 5XL। और मुझे लगता है इस तरह के व्यूवर्स, उनके लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सो अगर आप जो है ना आप प्लस साइज़ में आते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको एक ब्रांड रेकमेंड करूँगी, एंड द ब्रांड नेम इज़ डिवीना। सो ये जो ब्रांड है उसमें से एक आउटफिट मैं आपको शो कर रही हूँ ताकि आपको ब्रांड पता चल जाए, और आप इस ब्रांड को सर्च कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे अमेज़ॉन पर, और प्लस इसमें आप साइजेस चेक करना, इसमें 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, इवन 52, 54 इस तरह के भी साइजेस आपको मिल जाएंगे इस ब्रांड से। सो आई एम हैप्पी एटलीस्ट ये ब्रांड प्रोवाइड कर रहे हैं साइजेस। ये मैंने मल्टीपल टाइम्स पहना होगा, मल्टीपल टाइम्स इसे वॉश किया होगा, बट द क्वालिटी इज़ एज इट इज़, क्वालिटी इधर से उधर नहीं हुई है। सो डिवीना जो ब्रांड है ना, इनके आउटफिट्स कभी कभी मुझे थोड़े एक्सपेंसिव लगते हैं, बट इनकी क्वालिटी अमेजिंग है। सो डेफिनेटली गो फॉर दिस, दिस इज़ प्योर कॉटन ड्रेस। ओके, इस तरह से राउंड नेक प्रोवाइडेड है, और यहाँ पर ना रेड पाइपिंग है, और लुक एट द प्रिंट, प्रिंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, ब्लू बेस पर इस तरह से प्रिंट है, दिस इज़ अ ड्रेस, और यहाँ पर भी इस तरह से रेड पाइपिंग है, एंड लुक एट द फ्लेयर। अगर ये प्राइस अगर आपको पे करना पड़ रहा है, यू गेटिंग दैट क्वालिटी, यू गेटिंग दैट फ्लेयर, और डेफिनेटली वो लुक आपको मिल रहा है। सो यस, और यहाँ नीचे भी इस तरह से रेड बॉर्डर है। ये ना काफ़ी पहले मैंने दिखाया था, आई गेस 2 साल हो गए होंगे, लेकिन स्टिल ये ऐसा ही है। मैंने इसे 4 या 5 बार पहना है, एंड लुक एट द क्वालिटी, इट इज़ स्टिल अमेजिंग। आई थिंक इसमें पॉकेट भी प्रोवाइड किया गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, येस इवन पॉकेट इज़ प्रोवाइडेड। ओके, सो वेरी कन्वीनियंट, पर डेफिनेटली आपको पिक करना चाहिए, दूसरे साइड भी पॉकेट है। ओके, सो ये ड्रेस अगर आपको पसंद आ रही है, गेट दिस। इसके साथ ना आप कोई ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन सकते हो, लॉन्ग नेकलेस, इट विल लुक ब्यूटीफुल। आई ट्राई टू यू नो क्रिएट दैट लुक, आप यहाँ पर चेक कर लेना। और एक बात बताना भूल गई मैं, कि जो मैंने बीबा का ड्रेस दिखाया था आपको रेड कलर का, उसमें इस तरह का मास्क भी प्रोवाइडेड है। ओके, सो मास्क देखकर कोविड की याद आ गई, लेकिन सिर्फ कोविड के लिए, मतलब उस सिचुएशन, ऑब्वियसली वो सिचुएशन अभी नहीं है थैंक गॉड, लेकिन पॉल्यूशन के लिए भी, अगर कोई बाहर जा रहे हो, बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया है, तभी भी आप इस तरह का मास्क जो है ना, आप ये मास्क यूज़ कर सकते हो। सो कॉटन है, बहुत ही कन्वीनियंट होगा पहनने में। सो यस, बीबा इज़ प्रोवाइडेड मास्क ऑल्सो, गुड। सो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी एक ज्वेलरी, सो दिस इज़ द वन। ये जो ज्वेलरी है, मैंने स्पेसिफिकली उसकी प्राइस को देख के भी पिक किया है, और मुझे पता है कि नवरात्रि के लिए आपको ज्वेलरी तो चाहिए ही होगी। सो मैंने पर्सनली, मतलब मैंने अपने लिए भी बाई की है ये, मतलब मुझे ये चाहिए थी, देखकर बहुत सुंदर लग रही थी। सो यस, ओ वाओ, ओके, सो कुछ इस तरह की ज्वेलरी है, लुक एट दिस, वाओ। तो पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है, यस। और ये जो इसके इयररिंग्स है, राउंड से इयररिंग्स, पता है मेरे पर ना इस तरह के इयररिंग्स बहुत सूट करते हैं, और पूरा कुंदन का ही काम है, आप देख रहे हो, और इस तरह से पर्ल, आप देख रहे हो पूरा पर्ल वर्क है, और जिस तरह से इसका फॉल आ रहा है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। और साड़ीज पर तो ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सूट अगर आपने हैवी सूट भी पहना है उस पर भी चल जाएगा। डेफिनेटली मैं आपको पहनकर दिखाऊंगी, किसी ना किसी ट्रायल में तो एटलीस्ट यहाँ पर आ ही जाएगा। सो यस, गेट दिस फॉर योरसेल्फ, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, वाओ। इसकी क्वालिटी ना मुझे एज़ पर प्राइस ठीक लगी, उतनी वाव नहीं है, बट अगर आपको इसे 2-3 बार पहनना है एंड यू आर सेटिस्फाइड, तो आप डेफिनेटली ये पीस पिक कर सकते हो, इट इज़ गुड। ओके, सो डेफिनेटली पिक दिस, यस। सो अपने लिए बाय कर लेना, और प्राइस इज़ अफोर्डेबल। यहाँ पीछे इस तरह से ना टाई करना है आपको, ओके, और इयररिंग्स के लिए इस तरह से प्लास्टिक के जो पेज होता है ना, वो प्रोवाइडेड है। सो या, गेट दिस फॉर योरसेल्फ।
सो कैसा लगा आपको ओवरऑल वीडियो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सारे लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं माई हॉल स्टोर में, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू इट, ताकि आपको ना कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है। मैं जब भी मैं अपलोड करूँ आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आए। और लाइक कर देना इस वीडियो को, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब ने ना कुछ सोच समझ के दिया है ये फीचर, तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक करें। सो क्या हुआ मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं अर्जुन के साथ क्रिकेट खेलने गई थी, जो हमारा सोसाइटी का प्लेग्राउंड है, वहाँ पर प्लेग्राउंड से बास्केटबॉल एरिया है। सो जो क्रिकेट वाला नेट एरिया है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था, कुछ लोग खेल रहे थे, तो हमने बास्केटबॉल एरिया में खेलना स्टार्ट किया। वहाँ पर एक्चुअली पानी था क्योंकि बारिश हुई थी, तो कॉर्नर्स में ना पानी जमा हुआ था, तो काई नहीं लग जाती, काई आपको दिखती कि ग्रीन ग्रीन हो गया है सब कुछ, तो उस तरह से हो गया था। सो मेरा पैर स्लिप हो गया वहाँ पर और मैं बहुत ही ज़ोर से गिरी हूँ, सीधा ऐसे, मतलब मेरे सिर, माय नेक, मेरे दोनों शोल्डर्स, यहाँ पर सब जगह पर मुझे चोट लगी। मतलब तब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे लगा मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम ओके, आई एम फाइन। मैंने बस उठने के बाद थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा फेंटिंग मुझे फील हुआ, लेकिन थोड़ी देर बैठी, उसके बाद मैं घर पर गई, इवन आई टुक शावर। उसके बाद काफ़ी टाइम तक बैठने के बाद मुझे कुछ लगा नहीं, आई थॉट कि मुझे यहाँ पर चोट लगी है। लेकिन उसके बाद जब मैं दोपहर में सो गई, उसके बाद उठने के बाद माई बॉडी स्टार्टेड पेनिंग बैडली, यहाँ पर पूरा पेन हो रहा था मुझे, इवन यहाँ पर भी पेन हो रहा था। एंड लिटली आई एम टेलिंग यू, मतलब फिर समझ में आया कि मुझे कहाँ कहाँ चोट लगी थी। मतलब इंटरनली सारी चोट लगी थी मुझे, बाहर से ऐसा कुछ नहीं है, ब्लड और सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट इंटरनली मुझे काफ़ी लगा। एंड यहाँ पर भी सो दो दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, एंड डेफिनेटली बता रही हूँ कि वीडियो भी कब का आ जाता, लेकिन इस सिचुएशन की वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही थी। आई वॉज नॉट इन दैट मोड कि मैं शूट करूँ, आई थॉट लेट मी टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट टू डेज, उसके बाद मैं एक बार शूट स्टार्ट करूँगी, देन आई विल कंटिन्यू। सो ये सब हुआ मेरे साथ, एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि मैं कभी गिरी नहीं हूँ ऐसे, और मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। इवन अर्जुन थोड़ा पैनिक हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। बट ये कह रही हूँ कि थोड़ा ध्यान रखो अपना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है, हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बट हो जाती है चीज़ें। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैंने भी जो एक्सपीरियंस किया इट वॉज़ नॉट गुड, और भी चीज़ें हो सकती थी, जैसे कि मेरे सर पे चोट लग जाती तो और भी चीज़ें बढ़ जाती। सो या बाय गॉड्स ग्रेस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बट इट टुक मी अराउंड 2 to 3 days। अभी भी पेन है, बट फिर भी आई गेस थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे रिकवर होने के लिए, मोर 2 to 3 days। सो यस, सो ये सब चीज़ें हुई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, इट विल हेल्प, क्योंकि आपके अगर किड्स भी है वो भी जाते हैं खेलने, देन जस्ट यू नो टेल देम कि वो ऐसी जगहों से बच के रहे, ऐसी जगहों पर ना जाए जहाँ पर पानी है, या आप भी जो है उन्हें जो गाइड कर सकते हो, आप खुद का भी ख्याल रखना इस चीज़ के लिए। सो यस, सो ये सब चीज़ें मुझे शेयर करनी थी। सो हाउ वॉज द वीडियो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ 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 कर देना अभी के अभी, ओके, और सब्सक्राइब करना चैनल को। नेक्स्ट वीडियो चली से आ रहा है, ओके, सो बाय।